नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आल ईमित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईमित्र पोर्टल के काफ़ी बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों ईमित्र पोर्टल पर पेंशन वार्षिक सत्यापन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर पेंशनधारियों को हर वर्ष पेंशन सत्यापन करवाना अति आवश्यक है। दोस्तों आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है कि आपको पेंशन सत्यापन कब से कब तक करवाने हैं, यहाँ पर पेंशन सत्यापन करवाते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से 13/10/2020 को यह आदेश जारी किया गया था और यहाँ पर जो सभी जिला कलेक्टर है सभी समस्त जिलों के उनको यहाँ पर यह आदेश भेजा गया है और यहाँ पर लिखा है विषय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत पेंशनर का माह नवम्बर एवं दिसंबर 2020 में भौतिक सत्यापन करवाए जाने के संबंध में। दोस्तों यहाँ पर जो सत्यापन होगा वो भौतिक सत्यापन होगा और यहाँ पर जो माह नवम्बर और दिसंबर में ये सत्यापन का कार्य किया जाए। अब दोस्तों पर आगे बात करते हैं, आगे लिखा है महोदय उपयुक्त विषय अंतर्गत राज्य के सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत वर्ष 2020 हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन 2 माह नवंबर और दिसंबर 2020 के दिनांक 31/12/2020 तक किया जाना है। दोस्तों आपको बता दूं कि नवंबर और दिसंबर में यहां पर पेंशन सत्यापन किया जाएगा और यहां पर जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 31/12/2020। आपको 31/12/2020 तक ही अपना पेंशन सत्यापन करवा लेना है क्योंकि अगर आप अपना सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपका जो पेंशन होगा वो बंद कर दिया जाएगा। नियमों के अनुसार प्रथम बार दिनांक 1/10/2019 के उपरांत स्वीकृत प्राप्त पेंशनर्स के अतिरिक्त समस्त पेंशनर का माह नवंबर व दिसंबर 2020 में वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना है। दोस्तों कहने का मतलब है कि 1/10/2020 के उपरांत जितने भी यहां पर पेंशन स्वीकृत हुई है उन्हें यहाँ पर पेंशन सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1/10/2020 से पहले जिन लोगों की पेंशन स्वीकृत हुई है उन सभी लोगों के यहाँ पर पेंशन सत्यापन किए जाएंगे। दोस्तों आगे लिखा है दिनांक 1/10/2020 के उपरांत स्वीकृत प्राप्त पेंशनर का भौतिक सत्यापन आगामी वर्ष में 31 दिसंबर तक किया जाएगा, यानी कि जो 1/10/2020 के बाद जो पेंशन स्वीकृत हुई है उनका जो सत्यापन होगा वो अगले साल 2021 में किया जाएगा। इस संबंध में पेंशन नियमों के अंतर्गत वार्षिक भौतिक सत्यापन संबंधित नियम की प्रति संकलन का प्रेषित किया जा रही है। तो दोस्तों यहां पर आगे बात करते हैं, अतः दिनांक 1/10/2020 से पूर्व के समस्त स्वीकृत प्राप्त पेंशनर का माह नवंबर और दिसंबर 2020 में वार्षिक भौतिक सत्यापन किए जाने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देशित कराए और कोविड-19 की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु जिला स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 संबंध में जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए भौतिक सत्यापन का कार्य संपन्न किया जा सके। तो दोस्तों यहां पर कुछ नियम बताए गए हैं कि यहां पर वार्षिक सत्यापन आपको किस प्रकार से करवाना है। तो यहां पर वार्षिक सत्यापन होगा वो होगा माह दिसंबर और नवंबर में, तो ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर जो बायोमेट्रिक सत्यापन होंगे तो वो बायोमेट्रिक से होंगे। अगर किसी की यहां पर बायोमेट्रिक काम नहीं कर रही है तो यहां पर वो आधार और जन आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आप वन टाइम पासवर्ड भेजकर भी भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी बार जो जन आधार का ऑप्शन डाल दिया है, पहले यहां पर आधार का ही ऑप्शन होता था, तो यहां पर ये जन आधार वाला ऑप्शन आपकी बार डालने से काफी लोगों को आसानी होगी। तो दोस्तों इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति की बायोमेट्रिक काम नहीं कर रही है और उसके आधार कार्ड और जन आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हैं तो उसका यहां पर सत्यापन बायोमेट्रिक तरीके से ना करके यहां पर उसका सत्यापन कैमरे से किया जाएगा और यहां पर कैमरे से करने के बाद जो उसका प्रिंटआउट निकलेगा उसको संबंधित पेंशन अधिकारी के पास लेकर जाना होगा, तभी वहां पर उसकी जो सत्यापन का कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। तो यहां पर तीन तरीके हैं, तो पहला है बायोमेट्रिक, दूसरा है ओटीपी और तीसरा है वेबकैम। तो वेबकैम वालों को वहां पर जाना होगा पेंशन अधिकारी के पास और अपना सत्यापन कंप्लीट करवाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।